धनु राशि वालों का साल 2021 का संपूर्ण फलादेश। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय मज़े में होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि धनु राशि वालों के लिए साल 2021 का समय कैसा रहेगा। इस वर्ष में आपके ग्रह आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, परंतु सबसे पहले इस वीडियो के गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र है कि जब आदमी जिद करता है तब क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और ईर्ष्या हिंसा को बढ़ावा देता है। इसलिए न जिद करें न क्रोध पैदा करें तो आपके जीवन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो यही था इस वीडियो का गुरु मंत्र और अब जानेंगे आपके साल 2021 के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, धनु मकर स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें, इस वीडियो के नीचे जय शनिदेव कमेंट कर दें और कमेंट करने के बाद इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से और एकाग्रता के साथ सुन का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपके साल 2021 का अनोखा टोटका है, अचूक उपाय है, जिस उपाय को अगर आप आजमाते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको साल 2021 में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और आपका समय काफी ज्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, आप बड़े ही ध्यान से वीडियो को सुनते रहें। दोस्तों, साल 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहने वाला है। इस वर्ष में अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, इसमें आपका ग्रह आपका पूरा साथ देने वाला है। सबसे पहले हम अभी शॉर्टकट में जानेंगे, फिर जानेंगे पूरे विस्तार से। दोस्तों, अगर आपके कैरियर की बात की जाए तो कैरियर के लिहाज से भी साल 2021 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष में आपके कैरियर में सफलता मिलने के प्रबल संयोग हैं। आपके ग्रह आपका नक्षत्र आपका पूरा साथ देगा। इस वर्ष में अपने कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, आपके सहयोगी आपके सीनियर से आपको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ऐसा संयोग बनेगा कि सभी लोग आपके कामकाज में आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सहायता करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आप आसानी से बढ़ जाओगे। इस वर्ष में आप हर एक मौके का फायदा उठाएं, आपके सामने जो भी हालात बेहतर हो उस बेहतर हालात में अपने कार्य क्षेत्र को, अपने पढ़ाई लिखाई को, अपने कैरियर को आप अच्छा बनाने का प्रयास करें। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा आप में से बहुत से लोग साल 2021 में विदेश यात्रा करने वाले हैं, ऐसा संयोग बन रहा है। आप में से जो भी लोग पूरे मेहनत से पूरे एकाग्रता से अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देंगे उनको परिणाम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगा। इसलिए अपने कामकाज में आप कहीं कोई लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अगर आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो पैसों के लिहाज से भी साल 2021 में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इस वर्ष में आपके पास पैसे रहने वाले हैं और उन पैसों का आप सही प्रयोग भी करेंगे, लेकिन बस आपको एक सावधानी करनी है और वो सावधानी है कि अपने फालतू के खर्चों पे आपको कंट्रोल करना होगा। अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो इस पूरे वर्ष में आपको पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इस वर्ष में आपका पैसा खर्च होगा, आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा जिस कार्य में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन इस खर्चे से आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे का स्रोत काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है।
वैसे इस पूरे वर्ष में अगर आपके धन संपत्ति की बात की जाए कि आपके पास पैसे ज्यादा मात्रा में कब रहेंगे, तो वो अवधि है 23 जनवरी से लेकर जुलाई तक का समय, और दोबारा है सितंबर और अक्टूबर का महीना। इस पूरे वर्ष में ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शानदार रहेगा। इस अवधि में आपके आमदनी के नए नए द्वार खुलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे, जिसके वजह से आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। आप में से जो भी जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी साल 2021 में काफ़ी खुशियां आने वाली है, क्योंकि इस पूरे वर्ष में राहु आपकी कुंडली के छठे घर में रहेंगे, जिसके वजह से आप सभी को फायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। आप में से जो भी लोग साल 2021 में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस वर्ष में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसी संभावना है कि इस वर्ष में अपने लक्ष्य में आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आप में से जो भी लोग घर से बाहर जाकर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत से लोगों को ऐसा मौका भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य के लिहाज से साल 2021 आपके लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आपको अपने रहन सहन का, अपने खान पान का पूरा ध्यान देना होगा। वैसे पूरा वर्ष तो आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन इस वर्ष में अचानक से केतु के आपकी राशि के 12वें घर में आने की वजह से आप में से बहुत से लोगों को छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोगों का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देगा, लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि साल 2021 में आपके बाकी ग्रह आपका पूरा साथ देंगे, और इन्हीं सभी कारणों से आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप में से जो भी लोग नशा पान करते हों, धूम्रपान करते हों, तंबाकू का सेवन करते हों या और कोई नशा करते हों, तो इस वर्ष में आप नशा पान छोड़ दें, क्योंकि अगर आप नशा पान नहीं छोड़ेंगे तो आपके जीवन में आने वाले वर्ष यानी कि साल 2021 में आपको समस्याएं बहुत आएगी, और उन समस्याओं में आप उलझ जाओगे और आपको परेशानी का सामना काफी ज्यादा करना पड़ेगा। इस वर्ष में जरूरत है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले से ज्यादा सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सजग रहें। इस वर्ष में जितना हो सके आप शुद्ध हवा और पानी का सेवन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आने वाले वर्ष में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो धनु राशि वालों, यही था आपके साल 2021 का राशिफल। अब हम जानेंगे आपके साल 2021 के उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय ये है कि इस वर्ष में आप हर बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को बिना प्रणाम किए, बिना छुए, उस पेड़ की आपको पूजा करनी है, और इस पेड़ में आपको जल अर्पित करना है, जल चढ़ाना है। और बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करें। इस उपाय को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका समय शानदार हो जाएगा। इसके अलावा एक और उपाय है, जिस उपाय को अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। वो उपाय है कि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर गरीब लोगों में बांट दें। अगर आप इस उपाय को भी फॉलो करते हैं तो आपको साल 2021 में समस्या नहीं आएगी, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो धनु राशि वालों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप जय बजरंगबली कमेंट कर दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने वीडियो को पूरा देखा है।
और कमेंट करने के बाद आप इस वीडियो को लाइक कर दें, धनु मकर स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर दें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।